होना अपने मनुखा जन्म का कर्तव्य मन लईए तां समझ लवो रिद्धि सिद्धि आप दी दासी है। मैं ये भी दस देना चाहुंदा हाँ कि विद्वान लोग ही सब दे सिर ते विराजदे हन और विद्या तो खाली पैरां हेठ लताड़े जांदे हन। आपने महाभारत विच द्रोणाचार्य का प्रसंग पढ़िया होना जो शास्त्र अते शस्त्र विद्या का अदुत्ती पंडित सी जिसने अपनी कला नाल की चमत्कार कर विखाए सन। आपने इतिहास विच पढ़िया होना है कि विद्वान चाणक्य ने अपनी बुद्धि अते विद्या दे बल नाल किस तरह चंद्रगुप्त नूं भारत का शहनशाह बना दिता सी। इतिहास दे खोजी चंगी तरह जानते हैं कि जब तक भारत देश विद्या का केंद्र रहा तां इसनूं अपना गुरु मन के विदेशी लोग विद्या पाउण लई विद्यार्थी होके इत्थे आउंदे रहे और जब विद्या तो बेमुख हो गया तां सारी महिमा खो बैठा अते होरनां दा मोहताज हो गया। विद्या विचारी तां पर उपकारी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंगी तरह अनुभव करके कि भारत की दुर्दशा दूर करन दा इको एक साधन विद्या है। उन्होंने संस्कृत अरबी फारसी अते हिंदी दे 52 विद्वान अपनी सभा विच रख के अनेकां ग्रंथां दे उलोथे करवाए अते अनेक नवें ग्रंथ रचे अते करम सिंह वीर सिंह आदि पंच सिंह वेद वेदांग खट शास्त्र आदि पढ़न लई कांसी भेजे जिन्हां नूं बाद विच निर्मले कहा जाण लग पिया। सतगुरु ये जानते सन कि असीं अमृत प्रचार करके जो मुरदा जीवां नूं नवीं जिंदगी बख्शनी है और बुजदिल कैरां नूं सूरवीर बना के सवा लाख संग एक लड़ाऊ सिद्ध करना है। ये पूरा लाभदायक नहीं हो जब तक इन्हां नूं विद्वान ना बना दिता जाए क्योंकि विद्या बिना सूरवीरता किसी कौम या देश नूं पूर्ण सुख का साधन साबित नहीं हुई। दशमेश दे तजर्बे विच ये गल आ चुकी सी कि विद्या शांति अते सूरत ये तीन गुण इकट्ठे किए बिना कौम ना मुकम्मल है। करतार ने जब सारी रचना तीन गुणा रजो तमो अते सतो दे मेल तो बनाई है तां कोई कौम भी त्रिगुण रहित हस्ती नहीं रख सकती। विद्या रजोगुण शांति सतोगुण अते सूरतव तमोगुण है। वख होए ये गुण कारज सिद्ध नहीं कर सकते सगों लाभ की थां हानिकारक साबित होए हन। इस संसार अंदर जिन्हां विच सतोगुण की अधिकता होई वह मच्छर मारनों भी संकोच करके सारे संसार का राज भाग खो बैठे। जिन्हां विच रजोगुण की अधिकता होई वह दुनिया विच भोग विलास अते रासलीला विच ही मगन हो गए अते तमोगुण की अधिकता वाले जगत नूं राक्ष रूप प्रतीत होण लगे। पर इन्हां तिन्हां गुणा रजो तमो सतो नूं किस तरह एक मनुख विच जरूरत अनुसार पैदा करना है तिन्हां गुणा दे जुजब किस किस मिकदार दे होण यह तजवीज़ करना खास तबीब दे नुस्खे वांग साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दिमाग दा ही कम सी। प्रेमी वीरो जिथे सानू अजिहे अदुत्ती धर्मवीर सिर अवतार न अवतार श्री गुरु साहिब दे सेवक होण दा फखर अते आनंद है उस दे नाल ही अपने वल तक के भारी लज्जा ते भारी अफसोस ते लज्जा भी घट नहीं क्योंकि असी अपने पेशवा दे पाए पूर्णियां ते नहीं चल रहे। मैं आपनू करम अनुसार दसन दा यतन करांगा जिस तों आपनू चंगी तरह मालूम हो जावे कि साडी उन्नती लई सतगुरां दा की भाव सी ते की उहनां दा यतन सी ते हुण असी की कर रहे हाँ। सब तो पहला गुरु नानक देव जी ने विचारिया कि उपनिषदां विच दसी विद्या अपरा विद्या अर्थात जगत दे कार्य सिद्ध करन वाली विद्या ते दूजी परा विद्या अर्थात आत्म ज्ञान दी विद्या। ये दो प्रकार दी विद्या तो बगैर संसार नूं सुखदाई नहीं बनाया जा सकता अते जाति अभिमान जो मनुख मात्र नूं एक दूजे तो नखेड़ के आपो विच ही नफरत अते बैर दा कारण हो गया है मिटाए बिना एक पिता एक इसके हम बारक दा उच्च भाव कदे मन विच नहीं बस सकता। इस वास्ते गुरु साहिब ने देश दिशांतरां विच विचर के पिंड पिंड अध्यात्मक विद्या लई धर्मशाल जां धार्मिक केंद्र स्थापित कीते। घर घर अंदर धर्मशाल हो के हर पासे गुरमत दा प्रचार हो गया।
फिर श्री गुरु नानक देव जी ने ख्याल किया कि गुरबाणी नूं गहराई नाल समझण लई गुरमुखी लिपि पंजाबी वर्णमाला का प्रचार करना बड़ा जरूरी है। गुरु अंगद देव जी नूं आग्या होई कि इस तालीम का कम अपने हथीं लै के वह प्रचार करना। सतगुरां दे हुक्म नाल दूजे सतगुरु जी ने बालकां नूं संथ्या देनी आरंभ कर दित्ती अते अनेक सिखां नूं विद्वान बनाया अते शरीरक बल लई खेडां आरंभ कीतियां। गुरु अमरदास जी ने 22 धर्म प्रचारक थापे अते सिखां नूं हुक्म कीता कि गुरबाणी दीआं पोथियां लिख के अपने प्यारे सिखां नूं बिना मोल दिओ अते इस सेवा नूं सिक्खी दा अंग समझो। गुरु साहिबाना वालों विद्या के प्रचार का यह काम निरंतर अगे वधदा गया वधदा गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब रच के जो पर उपकार किया उसका वर्णन अनेक रसना तो भी नहीं हो सकता। पंजवें गुरु साहिब ने भाई गुरदास तो सिखां दा रहतनामा तैयार करवाया अते बाबा बुढ़ा जी नूं दरबार श्री अमृतसर श्री हरिमंदर साहिब जी का ग्रंथी थाप के बालकां दे पढ़ाउण दी सेवा उहनां दे सपुरद कीती अते अपने सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब नूं उहनां पास पढ़ने पाया। गुरु नानक देव जी दी चलाई कीर्तन दी रीत नूं अजर अमर करन लई तानपुरा अते सारन दा हथ विच फड़ के सिखां नूं संगीत विद्या सिखाई। छेवें गुरु हरगोबिंद साहिब ने पुस्तक सिक्ख्या दे नाल नाल शस्त्र विद्या दा भी प्रचार आरंभिया। सतवें गुरु हरराय साहिब ने वनस्पति विद्या आयुर्वेद जीव जंतु विद्या दी वृद्धि लई कीर्तपुर निवास करके अटुट यतन किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने प्रयाग कांसी पटना आदिक विच गुरु नानक देव जी का अकाली धर्म प्रचारण लई हिंदी बोली विच मनोहर रचना की। कलगीधर स्वामी ने अमृत प्रचार करके जो खालसा दी रहत थापी जो खालसा दी दैत मर्यादा थापी अते शस्त्र विद्या का अभ्यास लाजमी ठहराया अते लिटरेचर साहित्य विद्या लई जो यतन किते ओ आप तो गुजे नहीं। भावें उस समय का लिखिया विद्या का समुद्र रूप ग्रंथ विद्या सागर विद्या विरोधियों के हथों नष्ट हो गया पर अजे भी महाभारत भागवत मारकंडे पुराण आदिक अनेक ग्रंथां दे उलथे सानू मिलते हैं। आओ हुण असीं सिलसिलेवार इन्हां गल्लां बारे विचार करिए कि असीं गुरु साहिब दा भाव पूरा करन लई की कीता है कि साडे धर्म स्थानां दे भाई अर गुरु के सिख अपने अंदर सेवा दा ओ भाव रखते हैं जिहा कि सतगुरां दा हुक्म है। आप तो यह गल गुझी नहीं कि गुरु के प्यारे सिखां विच हुण सेवा भाव घटदा जा रहा है घटदा जा रहा है। जे कदी वह श्री गुरु अंगद देव जी की श्री गुरु अमरदास जी की सेवा की कथा पढ़ते अते नवाब कपूर सिंह जी अते माई फतेह कौर जी के प्रसंग सुनते तो निश्चय कर लेंदे कि सेवा तो सत्कार वधदा है घटदा नहीं। कि साडे धर्म स्थानां विच गुरबाणी दे पाठ की थां अखबारां दे पाठ का नितनेम नहीं हो गया। पुराने समय के सिख नितनेम की बाणी का पाठ किए बिना अनजल नहीं करते सन पर अज साडे बहुते गुरसिख भरा नितनेम का ना ही नहीं लेंदे। कि साडे भाई चार वर्ण एक वर्ण कराया चार वर्ण के एको भाई ते अमल करते हैं। दुख नाल आखना पै रहा है कि चौहान का एक रूप होना तो एक पासे रहा एक वर्ण विच ही फुट का कोई अंत नहीं। और हैरानी की गल यह है कि कईयां नूं विद्या होण ते भी यह समझ नहीं आउंदी कि इस महाकाली फुट ने ही साडा लहू पी के राज भाग ते सरबंश खोह के सानू मिट्टी विच मिला दिता। साडियां अदुत्ती कुरबानियां किसी गिणती विच नहीं आउण दित्तियां अते जिस गवर्नमेंट वास्ते अंग्रेजां वास्ते 1857 दे गदर तो लै के अज तक असीं उह काल काली जिस दी मिसाल दुनिया विच किते नहीं मिलदी उसने भी साडे हक्कां दे वल ध्यान नहीं दिता। आप समझ ही गए होवोंगे कि असीं सतगुरां दी तालीम ते सिक्ख्या तों किन्ने दूर जा रहे हाँ। सानू छेती पासा परतना चाहीदा है नहीं तां नतीजा बड़ा भयानक है। दूजा नंबर है पंजाबी दे प्रचार दा। प्यारे वीरो साडे तजर्बे विच आया है कि संसार दे विद्वानां ने
एक सुर हो के आख्या है कि अपने देश दी बोली दे प्रचार बिना विद्या दा प्रचार करना सुपने दी तरह है। जिस बोली विच देश दे स्त्री पुरुख गलबात करदे हन उसे बोली विच समझाई हुई गलबात अगों बच्चां दे दिलां ते छेती ते पक्का असर कर सकती है। विदेशी बोली विच समझाए भाव कदे भी बच्चां दे दिल विच पूर्ण असर नहीं कर सकते। मैनूं अफसोस नाल आखना पै रहा है कि असीं अजे पंजाबी लई बहुत घट यत्न किया है, और इस तों भी वध के शोक की गल यह है कि कई साढ़े भाइयों ने पंजाबी नूं सिखां दी ही बोली मन के अपनी मातृभाषा नाल वैर कमाया है। सिख रियासतां ने भी पंजाबी दा जो कुदरती हक ते दर्जा है वह नहीं पछाणिया। पंजाबी भैण भाइयों नूं अपनी मातृभाषा की उन्नति लई अपार यत्न करना चाहीदा है। मेरा भाव केवल यह है कि पंजाबियों का मातृभाषा नूं उन्नत करना जो सधारण धर्म बनता है वह अजे बहुत ही घट पूर्ण होया है। अज साडा यह भी फर्ज है कि गुरबाणी का अनेक बोलियों में तर्जमा छपवा के देश दिशांतरां विच पहुँचाइए ता जो विश्व दे विच पता तो लगे कि गुरु साहिबाना दा मनुख जाति लई पूरे मानव लई की संदेश है। कीर्तन आत्मक आनंद लैण लई पंजवें सतगुरु वालों प्रचारी संगीत की विद्या वल भी ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि राग विद्या भी सिखी का एक अहम अंग है। परंतु हुण असी गुरमत संगीत तो अणजाण होंदे जा रहे हाँ। पुराने रागियां रबाबियां दे मुकाबले नवें रागियां विच संगीत शास्त्र अनुसार स्वरां दे विभाग श्रुति बारे ज्ञान अते लघु गुरु अखरां दे मुताबक इन्हां नियमां दे अनुसार तान लैण दे नियमां बारे भी जानकारी बड़ी घटदी जा रही है। होर भी शोक दी गल इह है कि दशमेश पिता वल्लों दसी रहत नूं कुरहत ने आग रसिया है, अते कृपाणधारी कौम नूं सर्वलोह दे भेदां दी जानकारी नहीं रही ते शस्त्र विद्या अर शस्त्र वरत सकण वल्लों अणगहली वधदी जा रही है। इस तों भी वध के होर दुख की गल यह है कि वीर रस उदय करन वाली दशमेश पिता जी की बाणी दसम ग्रंथ जी की बाणी भुलाई जा रही है। पंथ दे सच्चे शुभ चिंतको, मैं आप दी सेवा विच बड़े रुखे शब्दों विच जो कौम दियां त्रुटियां अर्ज कीतियां हन अर्थात घाटे दियां गल्लां अर्ज कीतियां हन उन्हां लई खिमां दा जाचक हाँ। असीं चीफ खालसा दीवान दे धन्नवादी हाँ जिसने एजुकेशनल कमेटी दी एजुकेशनल कमेटी रच के विद्या इकट्ठा की नींह 1908 विच रखी ते सिख कानफ्रेंसां राही जिस तरह सानू कुंभकरण की नींद तो जगा के इसने विद्या का प्रेम पैदा कर दिखाया है वो आप तो गुजा नहीं है। अज की तालीम सिक्ख्या दे विच की कमियां हन अते किन्ना किन्ना वाध्यां की जरूरत है इस बारे आप रोज़ विद्वाना पासों उन्हां दे विचार सुनते हो। मैनूं प्रचलित तालीम का कोई बहुत तजर्बा नहीं है क्योंकि मैं पुराने ढंग नाल विद्या हासिल की है। मेरे समय ज्ञानियां तंतां पंडतां अते मौलवियां का बेहद सत्कार किया जाता सी, बेहद अदब किया जाता सी। विद्यार्थियों की शक्ति नहीं सी अख चुक के सिक्ख्या देने वाले वल तक सकन, और उस्तादां दे जूठे भांडे मांजने लेपन करना उन्हां दे कपड़े धोने उन कर्म समझे जाते सन। हुण जे कोई उस्ताद गुरु जां मास्टर लड़के दे गलती करन ते लड़के दे अपराध करन ते चपेड़ मारे तां विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप भी आखते ने कि जब तक उस्ताद माफ़ी नहीं मंगेगा साडा लड़का क्लास अटेंड नहीं करेगा। पछमी विद्या का असर कुदरती तौर पर देश में छा गया है। उस्तादां विचों पिता भाव ते विद्यार्थियों विचों पुत्र भाव दिन ब दिन अलोप हुंदा जा रहा।